राम जी सेकुलर नहीं है, शास्त्रीय पक्ष का ध्यान रखते हुए साथ सम्मत विधा से ही प्रतिष्ठा होनी चाहिए। नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ काजोल नारायण। भारत एट नाइन में आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं। 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, लेकिन चार शंकराचार्यों ने जाने से इनकार कर दिया। सच क्या है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि कुछ ऐसे बयान सामने नहीं आए हैं, डायरेक्टली ऐसे कुछ नहीं बोला गया है, लेकिन जाने से इनकार किया गया है, विरोध नहीं किया गया। अब इस मुद्दे को कुछ राजनीतिक दल बखूबी भुनाते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने इसी का उदाहरण देकर आमंत्रण अस्वीकार कर दिया सम्मानपूर्वक। उनका कहना है कि हम आमंत्रण अस्वीकार करते हैं, हम रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होंगे, लेकिन हम बाद में रामलला के दर्शन करने के लिए जरूर जाएंगे। अब इन चारों शंकराचार्यों ने आने से मना क्यों किया है, ये क्या होता है, शंकराचार्य का आना क्यों महत्व है, धर्म के पथ पर चलाने वाले शंकराचार्यों को आखिर क्यों मनाया नहीं जा रहा है, ये बहुत सारे सवाल हैं और आगे इस खास प्रोग्राम में मैं वही आपको बताऊंगी। भारत देश हिंदू राष्ट्र देश है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और साथ ही साथ हिंदुओं की संख्या ज्यादा होना और पूरे हिंदुस्तान को चार शंकराचार्यों में बांटा गया है जो हिंदू धर्म का पालन कराते हैं या करवाते हैं। चार शंकराचार्य की नाराजगी की वजह जो है वो ये कि प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो विधि विधान और सही तरीके से नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से अधूरे मंदिर और खंडित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, उसी प्रकार से मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने वाला कोई प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि कोई विद्वान या कोई पंडित महापुरुष होना चाहिए। अब शंकराचार्यों का काम बाहर बैठकर ताली बजाना तो नहीं है, शंकराचार्य का काम विधि विधान से रामलला को प्रतिष्ठित करना है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ही नहीं पता होगा। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है किसी बेजान चीज में जान फूंक देना और पूरे विधि विधान से पूजा करना कि हम रामलला की मूर्ति वहां पर स्थापित कर रहे हैं और हम ऐसा अनुष्ठान करें, हम ऐसे यज्ञ करें, हम ऐसी उपासना करें कि भगवान राम उसमें खुद समाहित हो जाए। इसका मतलब होता है प्राण प्रतिष्ठा करना, भगवान अपना अंश उसमें विद्यमान कर दे। तो अपने अपने धर्म कर्म है, ये राजनीतिक नहीं होना चाहिए और हम शंकराचार्यों से सहमत भी हैं। फिर यही प्राण प्रतिष्ठा अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष राजनीति में फंस गया था जाने और ना जाने को लेकर, दोनों के बीच असमंजस की स्थिति थी, तो कहीं ना कहीं विपक्ष अल्पसंख्यक को ध्यान में रखकर आगे चल रहा था कि अगर हम राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जाते हैं तो हमारा अल्पसंख्यक वोट बैंक जो है वो हमसे नाराज हो जाएगा, दूसरी तरफ आप नहीं जाते तो आप हिंदू विरोधी कहलाएंगे, कुछ ऐसा ही नजर भी आया। अब इस चक्कर में ये पड़ गए, पर जहां शंकराचार्य का बयान सामने आया तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं से लपक लिया, कांग्रेस ने उनकी आड़ ले ली, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस ने उनकी आड़ ली है वो कहीं ना कहीं गठबंधन में अंदर ही फूट नजर आ रही है, क्योंकि गठबंधन की कई पार्टियां राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जाने के लिए तैयार हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि कुछ दल के नेताओं ने जाने की तैयारी भी कर ली है। देखिए, बहुत सारे अलग अलग रास्ते निकाल दिए जाते हैं, हिंदू धर्म में अगर इस तरीके से चीजें नहीं हो रही है तो दूसरा उसका विकल्प भी होता है। कोई विधि विधान को करने के लिए क्या शंकराचार्य को मनाने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। कहा जाता है कि हमें भगवान का ज्ञान देने वाले गुरु हमारे पूर्वज विद्वान ही हैं। इसी तरह से शंकराचार्य हमें धर्म का ज्ञान देते हैं, धर्म का मार्ग बताते हैं। जब धर्म की स्थापना हो रही है, राम जी हमेशा से ही धर्म की राह पर चले हैं, इन शंकराचार्य को कैसे इग्नोर किया जा सकता है, इनको मनाने के लिए क्यों नहीं प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हैं। तो शायद धर्म की जीत ऐतिहासिक होती अगर ऐसा होता तो, और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा इन चारों शंकराचार्य के हाथों आखिर क्यों नहीं करवाई जा रही। हमारा मानना है कि ऐसा होना चाहिए, हम भी हिंदू हैं और हमारे विचार और कई लोगों के विचार हमने सुने हैं और समझे हैं। लोगों ने कई लोगों से पूछताछ में ये जवाब मिला,
सबका ये मानना था कि शंकराचार्य को मनाकर एक आस्था का पथ दिखाना चाहिए। बीजेपी का जो काम है और राम मंदिर को लेकर जो काम किया है वो सराहनीय है, पर अब धर्म की रक्षा होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। राम मंदिर के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने के बाद कांग्रेस ने नया विवाद छेड़ दिया। अब कांग्रेस ने आरोप लगाया कि शंकराचार्य को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में ना बुलाकर बीजेपी हिंदुओं को बांटने की साजिश रच रही है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर राजनीति लगातार हो रही है। बीजेपी ने रामलला को हाईजैक कर अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन को सियासी अखाड़ा बना दिया। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य का अपमान किया जा रहा है और यही वजह है कि शंकराचार्य ने इस कार्यक्रम में आने से इनकार कर दिया। हमारे धर्म के धर्मगुरु कौन कौन है? शंकराचार्य हमारे गुरु हैं कि नहीं? इस देश में शंकराचार्य की बात क्यों नहीं मानते? क्या चंपत राय को धर्मगुरु मान लें या नरेंद्र मोदी को अपना धर्मगुरु मान लें? हम लोग शंकराचार्य जी से साफ मना कर दिया, जो हमारे पारंपरिक तरीके से मंदिर का काम होना चाहिए उसको आप हमारी जो वैदिक परंपरा है उसको नहीं मानते। जिस प्रकार से आप कर रहे हैं इसलिए आपके मंदिर में आने को हम तैयार नहीं है। यहां से बहस शुरू हो जाती है। अब देश में कितने शंकराचार्य हैं, उनका क्या महत्व है, इस पर भी नजर डालना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सनातन परंपरा और हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में आदि शंकराचार्य की अहम भूमिका मानी जाती है। इसी को ध्यान में रखकर देश के चारों कोनों में चार शंकराचार्य मठ स्थापित किए गए हैं। पहला ओडिशा के पुरी में गोवर्धन मठ, जिसके शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती हैं। दूसरा गुजरात में द्वारका धाम में शारदा मठ, जिसके शंकराचार्य सदानंद सरस्वती हैं। तीसरा उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्मठ, जिसके शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हैं। चौथा दक्षिण भारत के रामेश्वर में श्रृंगेरी मठ, जिसके शंकराचार्य जगत गुरु भारती तीर्थ हैं। ज्योतिर्मठ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है कि देश के चारों शंकराचार्य 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में शामिल नहीं होंगे। उनके मुताबिक ये आयोजन शास्त्रों के अनुसार नहीं हो रहा। हालांकि श्रृंगेरी मठ की ओर से बयान जारी कर बताया गया है कि शंकराचार्य भारतीय तीर्थ की तस्वीर के साथ संदेश डाला जा रहा है, जिससे महसूस होता है कि श्रृंगेरी शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई संदेश शंकराचार्य की ओर से नहीं दिया गया। ये गलत प्रचार है। श्रृंगेरी शंकराचार्य की ओर से अपील की गई है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हो। हालांकि शंकराचार्य खुद अयोध्या जाकर शामिल होंगे या नहीं, इस बारे में बयान में स्पष्ट तौर पर नहीं कहा गया। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ, जिसमें वो कहते दिख रहे हैं कि रामानंद संप्रदाय का अगर ये मंदिर है तो चंपत राय वहां क्या कर रहे हैं? ये लोग वहां से हटकर रामानंद संप्रदाय को प्रतिष्ठा से पहले सौंपे। हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। चारों शंकराचार्य वहां पर नहीं जा रहे कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं। हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने हाल ही में कहा था कि राम मंदिर सांप्रदायिक रामानंद संप्रदाय का है। वो कहते हैं कि चारों शंकराचार्य किसी राग या द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्य की दायित्व है कि शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहां शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है, मंदिर अभी पूरा नहीं है और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अचानक करना पड़े। कभी वहां रात में जाकर मूर्ति रख दी गई थी, वो एक परिस्थिति थी। 1992 में जब ढांचा ढहाया गया तब कोई मुहूर्त थोड़ी देखा जा रहा था। तब किसी शंकराचार्य ने प्रश्न नहीं उठाया, क्योंकि तब ऐसी परिस्थिति थी। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बोले कि आज हमारे पास मौका है कि हमें अच्छे से बनाकर प्रतिष्ठा करनी चाहिए, इसलिए हम बोल रहे हैं तो हमें एंटी मोदी कहा जा रहा है। धर्मशास्त्र के हिसाब से ही हम स्वयं चलना चाहते हैं, जनता को चलाना चाहते हैं। यह हमें धर्मशास्त्र ने ही बताया है। जिस धर्मशास्त्र से हमने राम को जाना, उसी शास्त्र से हम प्राण प्रतिष्ठा भी जानते हैं, इसलिए कोई शंकराचार्य वहाँ नहीं जा रहा। इसके अलावा गोवर्धन मठ के शंकराचार्य निश्चलानंद स्वामी ने एक बयान में कहा कि मेरा हृदय ऐसा नहीं है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण दे तो भूल जाओ, तो निमंत्रण ना दे तो कुपित हो जाओ। राम जी शास्त्रों के हिसाब से प्रतिष्ठित हो ये जरूरी है। अभी प्रतिष्ठा शास्त्रों के हिसाब से नहीं है, इसलिए मेरा उसमें जाना उचित नहीं है। आमंत्रण आया है कि एक व्यक्ति के साथ आ सकते हैं। निश्चलानंद स्वामी कहते हैं कि कौन मूर्ति का स्पर्श करे कौन ना करे, इसका ध्यान रखना चाहिए। पुराणों में लिखा है कि देवता यानी कि मूर्ति तब प्रतिष्ठित होती है जब विधिवत हो। अगर ये ढंग से ना किया जाए तो देवी देवता क्रोधित हो जाते हैं। ये खिलवाड़ नहीं है, ढंग से किया जाए तभी देवता का तेज सबके लिए अच्छा रहता है, वरना विस्फोटक हो जाता है। उन्होंने कहा कि मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहां ताली बजा के जय जय करूंगा। मुझे पद तो सबसे बड़ा प्राप्त ही है,
मुझे अपने पद की गरिमा का ध्यान है, मैं वहां गया तो मोदी जी ज्यादा से ज्यादा नमस्कार कर देंगे। अयोध्या से मुझे परहेज नहीं, वहां से मेरा संबंध टूटेगा नहीं, इस अवसर पर जाना उचित नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं शंकराचार्य का कहना है। वहीं शारदा पीठ के शंकराचार्य की ओर से इस बारे में सोशल मीडिया पर बयान भी साझा किया गया, जिसमें कहा गया, शंकराचार्य सदानंद महाराज की ओर से कोई बयान प्रसारित नहीं किया गया है। राम मंदिर के लिए हमें गुरुदेव से कई कोशिशें की, 500 साल बाद विवाद खत्म हुआ। बयान में कहा गया कि हम चाहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह वेद शास्त्र धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए हो। हालांकि इस बयान में भी नहीं बताया गया कि द्वारका मठ के शंकराचार्य खुद प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे या नहीं। कौन होते हैं शंकराचार्य, अब ये भी जानना जरूरी है। आदि शंकराचार्य ने मठों की शुरुआत की थी, वो हिंदू दार्शनिक और धर्मगुरु थे। इन्हें जगत गुरु के नाम से भी जाना जाता है, जो सनातन धर्म की रक्षा और प्रसार करते हैं। इसके लिए उन्होंने अपने प्रमुख चार शिष्यों को देश के चार दिशाओं में स्थापित किए गए मठों की जिम्मेदारी दी। इन मठों के प्रमुख को शंकराचार्य कहा जाता है। सनातन धर्म में शंकराचार्य को सर्वोच्च माना जाता है। मठ पीठ क्या होते हैं? सनातन धर्म के मुताबिक मठ में गुरु अपने शिष्यों को सनातन धर्म की शिक्षा दीक्षा ज्ञान देते हैं, यह आध्यात्मिक शिक्षा होती है। हालांकि इसके साथ ही मठों में जीवन के कुछ अहम पहलू, सामाजिक सेवा, साहित्य आदि का भी ज्ञान देते हैं। मठ एक ऐसा शब्द है जिसके बहुधार्मिक अर्थ हैं। देश में चार प्रमुख मठ द्वारका, ज्योतिषी, गोवर्धन और श्रृंगेरी पीठ है। दरअसल संस्कृत में मठों को ही पीठ कहा जाता है। तो ये महत्व है शंकराचार्यों का, लेकिन उसके बावजूद भी इन चारों शंकराचार्य को इग्नोर करने की कोशिश की जा रही है। वो अपनी हट में है कि अगर शास्त्रों के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी तो हम नहीं जाएंगे, हम वहाँ ताली बजाने के लिए नहीं जाएंगे। तो सरकार की तरफ से भी कोई बेहतर कदम उठाया नहीं जा रहा है। अब समय नज़दीक है, देखना यह है कि क्या रूठों को मना लिया जाएगा, क्या इन्हें वहाँ जाकर सम्मान पूर्वक अयोध्या लाया जाएगा, और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो तैयारी, जो तारीख तय की गई है, इनसे पूछा जाएगा कि क्या वो सही है और किस तरीके से पूजन होना चाहिए। खैर, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल माहौल गर्म है। भारत टाइम में आज के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।